मैं अपने गांव में पहली लड़की हूँ हु। जो हमारा एरिया है वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया में आ जाता है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है डेवलपमेंट लेवल बहुत कम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस वजह से वहाँ की लड़कियाँ सोच भी नहीं पाती कि मुझे इस पोस्ट पर जाना है अभी तक जो हम लोगों को पता लगा है कि यू मे बी वन ऑफ दई पी एस ऑफिसर फॉर दिस दिसन ऑफ बनना है कलेक्टर बनना है वो कलेक्टर की वो छापा आपकी हॉबी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है कोरियन ड्रामा मेंटर से बात हो रही थी कि कुछ डिफिकल्टी आई तो आप डिस्कस कर लीजिए टीचर्स से डायरेक्टली बात हो रही थी सर सर थे सर थे अयाज उनकी टीचिंग्स मुझे अच्छी लगती थी तो मैं बहुत ज्यादा बैठती थी, थी उनके लेक्चर्स में दोस्तों मैं हूँ बी सिंह और आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ काजल चौहान से काजल है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सेवन इन सिविल सर्विसेज ट्वेंटी एग्जामिनेशन इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने बहुत ही कम एज में इस एग्जाम को क्रैक किया है एंड इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट सी वाज जस्ट 21 ईयर व्हेन सी फिल्ड द फॉर्म एंड सी क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट आज इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं जानते हैं कि इनकी सफलता का राज क्या था और ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं ये महाराष्ट्र के गोरेगांव की रहने वाली हैं उसके बाद इन्होंने यहाँ दिल्ली आकर के अपनी प्रिपरेशन की इनके पिताजी बहुत ही सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं इनके पिताजी की एक छोटी सी शॉप थी और वो भी कोरोना काल में बंद हो गई ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी डॉटर को पढ़ाया एफर्ट किए और इनका एक स्ट्रगल फुल फेज रहा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का जो समय था वो काफ़ी स्ट्रगल फुल रहा बट अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स के सहयोग से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया आज इनसे इनकी सफलता की कहानी जानते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल काजल कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच सर काजल आपने गौरा� पहली बार अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की सर so, मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कोविड के टाइम hmm. उस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है कि कुछ सोच पाए कि आगे फ्यूचर में क्या करना है सो hmm. so, उस टाइम घर बैठे हुए ये सवाल आया कि फ्यूचर में लाइक like, मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में है बैचलर्स ऑफ साइंस उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं hmm. तो मैंने सोचा कि प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए एनसीआरटी hmm. से मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन hmm. धीरे धीरे इंटरेस्ट जागने लगा कि आर्ट्स कुछ है hmm. आर्ट्स फील्ड में मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ लाइक यूपीएससी एक स्कोप है और पहले से जो मेरे दादाजी है उनसे मुझे मोटिवेशन मिली थी कि कलेक्टर बनना है कलेक्टर बनना, बनना है, है। वो कलेक्टर की वो छाप यस yes, जो पावर अथॉरिटी क्या अट्रैक्शन था कि मेन अट्रैक्शन क्या था मैं अपने गांव में पहली लड़की हूँ जो हमारा एरिया है वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया में आ जाता है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है डेवलपमेंट लेवल बहुत कम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस वजह से वहाँ की लड़कियाँ सोच भी नहीं पाती कि मुझे इस पोस्ट पे जाना है और ऐसी सब सिचुएशन में मुझे मेरे दादाजी ने ऐसी मोटिवेशन दी कि तुम्हें इस इस फील्ड में इतना आगे बढ़ना है कि इस गांव का नाम रोशन करना है और अपने फैमिली का भी तो लाइक वो मेरे लिए बहुत बैक एंड सपोर्ट रहा कि घर पर यानी हमारे हमारे एरिया में किसी को इतना प्रिविलेज नहीं मिलता है कि आप इतना पढ़िए दिल्ली भेजने का प्रिविलेज नहीं मिलता और मुझे इस एज में मिला है जहाँ पे लड़कियों की शादी करवा दी जाती है आप एक गांव के परिवेश से आती हैं आपकी स्कूलिंग भी गवर्नमेंट इस्कूल में हुई है।, है और एक सामान्य कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज से आपने बीएससी किया है आपका एजुकेशन को पृष्ठभूमि है जो एजुकेशन की वो एक बहुत ही सामान्य है और आपके पिताजी बहुत ही एक छोटे लेवल पर उनकी शॉप थी और वो भी कोरोना में बंद हो गई इतने स्ट्रगलफुल फेज में आपने इस मुकाम को जो हासिल किया इसमें आप बाकी जो एस्पिरेंट हैं जो अभी यूपीएससी के बारे में शायद सोच रहे होंगे या गर्ल्स स्पेशली उनके लिए क्या मैसेज दोगे कि ये सब चीज़ें कितना मायने रखती हैं और कितना बैरियर बनती है लाइफ में सेट सेटबैक्स तो आते रहेंगे लाइक ये जो सेटबैक्स थे उसी से आपको मोटिवेशन लेना चाहिए हुँ. कि अभी जितना पेरेंट्स हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं शायद मैं फ्यूचर में थोड़ा और उनके लिए स्ट्रगल करके उनको रिटर्न बैक कर दूँ तो मेरे फैमिली कि फैमिली की सिचुएशन तो ठीक नहीं थी बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एजुकेशन में लाइक like, तुम पढ़ो हम हम पीछे हैं तुम फाइनेंस की टेंशन मत लो तो लाइक uh, like, मेरे फादर हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहे मम्मी भी हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया मम्मी ने हुँ. तो uh, और घर पे भाई होने के बावजूद भी गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना हुँ. ये मुझे लगा कि फैमिली में uh, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए ये तो आपकी पेरेंट्स की थॉट है उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ाया जैसा आपने अभी बताया था कि आपके भाई ने भी इंजीनियरिंग की yes, और वो भी अभी आगे यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ाया और आपको प्रायोरिटी दी तो डेफिनेटली उनकी जो थाट है और ख़ास करके गर्ल्स को लेकर के जो कंजर्वेटिव थाट होती है पेरेंट्स की वहाँ से उभर करके आपके पेरेंट्स ने एक अलग मिसाल कायम की तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से प्रणाम काजल एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी हॉबी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है कोरियन ड्रामा कोरियन लैंग्वेज नॉर्मली हमारी भाषा से नहीं मिलती है लेकिन फिर भी आपकी ये हॉबी थी तो ये आपको कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कोरियन ड्रामा का सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की उस टाइम हमारा स्केड्यूल ऐसा होता है कि हम दिन भर पढ़ाई करते हैं बट कुछ टाइम ऐसा हमें चाहिए होता है कि जो हम हमें रिलैक्सिंग टाइम मिले हुँ. उस टाइम मुझे यूट्यूब के थ्रू कुछ चैनल्स मिले जिसमें इंग्लिश सब में कोरियन ड्रामाज अवेलेबल थे

इन इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन बनते हैं चाइनीज ड्रामा पे तो चाइना पे कनेक्शन पूछ लेता पूछ लेते वो लोग सो so, वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता तो मैंने वो अवॉइड करने के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजिकली uh, मेरे लिए सही हो इसीलिए मैंने कोरियन तो ड्रामा क्या यूपीएससी के इंटरव्यू में आपकी हॉबी से कोई सवाल पूछा गया यस सर लाइक मेरे बोर्ड का नाम था शीलवर्धन सर वाला बोर्ड तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही यही पूछा कि व्हाट इज द जोग्राफिकल नेम ऑफ कोरियन पेनसुला एंड गूगल पे भी उसका आंसर नहीं है सो hmm. so, मेनली वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहे थे बट धीरे धीरे वो सवाल यानी होते कि नहीं लाइक like मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा वहाँ पे कि सर देर इज नो नेम ऑफ कोरियन पेनसुला देट इज ओनली द नेम अच्छा यूजली पेरेंट्स का तो रोल रहता है देखो सिलेक्शन में लेकिन आपके केस में फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल था यस yes, सर तो हाउ डू यू सी और सक्सेस Uh, with the help of your parents and friends, किसका कितना बट आपके लाइफ में? So तो right. में कोई ऐसा फ्रेंड mm -hmm. होता है जो आपको उस स्ट्रेसफुल फेज से निकालने में हेल्प करता है लाइक mm. like हमने ये जर्नी देखी है प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ जर्नी होती है डेढ़ साल की जर्नी होती है पूरी mm. तो इस फेज में आपको तो ग्रुपिंग्स नहीं करनी है क्योंकि ग्रुपिंग्स में ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन फेस करने पड़ते हैं लाइक कोई पार्टी कर रहे हैं तो हमें फिर वो फोमो आ जाता है कि यार हम क्यों नहीं है उसमें राइट right. तो लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए लाइक मेरे पास है जो hmm. एक फ्रेंड है यही पे है विकास hmm. जिन्होंने उस फेज से जहाँ हम लाइब्रेरी में मिले थे hmm. और आज तक जा मैं एक अपनी आई एक्सपेक्ट कर रही हूँ एज अ सर्विस तो आज भी वो मेरे साथ है और ये स्ट्रगलिंग फेज में जिन्होंने साथ दिया वो मेरे लिए बहुत प्राइम रियली इम्पोर्टेंट नेक्स्ट माई क्वेश्चन इज वेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन तो हाउ डू हाउ यू डिसाइडेड टू डिसन द नेक्स्ट आई एस बिकॉज यू वॉज इन द फाउंडेशन बैच उसके पीछे सिलेक्शन का कोई आपने कुछ क्राइटेरिया था कैसे कैसे आपने डिसाइड किया नहीं मुझे नेक्स्ट आई में ही पढ़ना है सर नेक्स्ट जिस तरीके का मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है हुँ. मैंने अपनी फाइनेंस की सिचुएशन नेक्स्ट आई को समझाई थी हुँ. और इंस्टीट्यूशन ने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की आपको फ़ी कंसेशन चाहिए आपके पास जितने हो गए हम उतने यूज़ में आपको पूरी कोचिंग करवा देंगे सी साइड की फ़ीस माफ़ करवा दी उन्होंने मेरे लिए जी फ्री था मेरे लिए मैंटरशिप फ्री थी एम कोर्स मुझे फ्री में मिला तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई क्योंकि मैं जस्ट बैकग्राउंड से हूँ मुझे ऐसा लगता था कि जो बच्चे आईआईटी एनआईटी एमबीबीएस या फिर एम्स से पढ़ते हैं वही उन्हीं का सिलेक्शन होता है पर जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था यहाँ पे और मेरा रैंक वन और टू में था तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कम नहीं हूँ और उस टाइम से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया मेन एग्जाम तक तो मेरे लिए ये स्टेपिंग स्टोन था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और मैं आज जहाँ पे भी हूँ नेक्स्ट टाइस है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है नेक्स्ट टाइम का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना और वो भी जिस पृष्ठभूमि से आप आई हैं उससे आकर के फर्स्ट अटेम्प्ट में करना ये बड़ा रेयर होता है और इस फर्स्ट अटेम्प्ट की जर्नी में आपके सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहे क्या क्या आपने सोर्सेज फॉलो किए सर uh, so, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किए तब मैंने एन से स्टार्ट किया था हुँ. और उस टाइम कोविड ही चल रहा था तो मैंने uh, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम ऑर्डर करवा दी थी right. और उस टाइम मैंने कॉलेज टाइम में वो दोनों फिनिश कर दी थी हुँ. फिर जब मैं मेरा ग्रेजुएशन हो गया 2022 में हुँ. तब मैं डेली आई डेली में मैंने नेक्स्ट टाइज के सोर्सेज फॉलो किए और मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे हुँ. जो एन और स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसके अलावा मैंने नेक्स्ट टाइज के नोट्स पढ़े जो क्लास नोट्स थे

इन्वायरमेंट है यहाँ का जैसे सराउंडिंग ऑफ करोल बाग राजेंद्र नगर वो बड़ा क्राउडी नजर आता है yes, आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा था कि यहाँ का जो लिविंग इन्वायरमेंट है स्टडी इन्वायरमेंट है या इको है लर्निंग एको है वो आपको कैसा लगा सर जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वो शांत है फॉरेस्टेड एरिया है और हुँ. जब मैं फर्स्ट टाइम डेली अराइव डेली में आई तब मुझे ऐसा लगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ऑलमोस्ट सारे इतने अच्छे बैकग्राउंड से है और एरिया भी इतना लाइक डेंसली पॉपुलेटेड है हुँ. तो स्टार्टिंग के एक मंथ्स मेरा रहना बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ पे और दिल्ली का इन्वामेंट भी इतना uh, हार्श है जिसमें मेरे सवाव, लिए सर्वा मुश्किल हो गई थी लाइक like खांसी आना बहुत फ्रीक्वेंट क्लास में मुझे डर लगता था कि मैं ही अकेली खांस रही हूँ सारे बच्चे तो शांत है मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ पर धीरे धीरे ये एडजस्ट होते गया दिल्ली में uh, दोस्तों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हुँ. और जब तक आपकी कोचिंग चल रही है तब तब तक आपको अच्छा लगेगा कि डेली बेटर है क्योंकि लोग मिल रहे हैं आपसे जब ये सब दोस्त और कोचिंग छूट जाए तो फिर डेली को फिर हम अकेला, अकेला लगा नहीं, लगा। नहीं अकेले सरवाइव ही नहीं कर सकते यहाँ पे तो फिर स्ट्रेसफुल दोस्त एक आपके लाइफ में होना चाहिए जो है और बाकी आपकी कोचिंग चल रही है तो आपको एंगेज रखेगी की स्टडीज के साथ नहीं तो आप एक रूम में बंद होके रूम्स भी इतने छोटे होते हैं कि एक रूम में सर्वाइव करना

जब अपियर हुई थी तब मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे हुँ. मुझे लगा उन, उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है मुझे फर्स्ट वाले टेस्ट में लेकिन हुँ. जब सेकंड टेस्ट मैंने अभी दिया हुँ. उसमें मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे बिल्कुल भी हुँ. Uh, क्योंकि सिलेक्शन के बाद थोड़ी सी मैं इंगेज थी कुछ काम में तो मैं मॉक्स नहीं लगा पाई बट फिर भी मुझे ये पेपर ये वाला पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाला डिफरेंट इसी लगा क्योंकि वो बेसिक्स पे ज़्यादा पूछ रहा था मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे फिर भी मेरा इस बार प्रिलिम्स हो गया क्योंकि मेरा बेसिक स्ट्रांग था तो मुझे ऐसा लगता है इस वाले पेपर में डिफरेंट ये था कि आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है दो तीन साल आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको उसकी हेल्प होगी

तो खुद के लिए खड़े होकर उनको अपने ड्रीम्स बताइए वो सपोर्ट करेंगे ज़रूर आप आपको समझाने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर मुझे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो मैं करके रहूँगी कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है मेरा मेंटल कॉन्फिडेंस और मेरा इमोशनल बैलेंस इतना होना चाहिए कि अपने ड्रीम्स को पाने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है आप आ, आप खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखिए खुद इतना पेशेंस रखिए परसिवरेंस रखिए कि मैं कर लूँगी एक दिन ठीक है वो दिन दूर होगा बट जितना भी दूर होगा मैं मैं कर लूंगी इतना कॉन्फिडेंस रखिए बस अभी तक जो हम लोगों को पता लगा है कि यू मे बी वन ऑफ द आई आईपीएस ऑफिसर फॉर दिस सेशन ऑफ 2023। यस सर। uh, हालांकि जब फाइनल अभी डेटा आएगा तो पता लगेगा तो ऐसी स्थिति में आपकी जो जर्नी रहेगी आगे वो तो काफी ऊपर तक का आप पहुंचोगे तो आपकी सर्विस का टेन्योर बड़ा होगा बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं थर्ड अटैम्प्ट फोर्थ अटैम्प्ट में एंड यू गॉट इट इन फर्स्ट अटैम्प दैट टू एट अर्ली एज तो इसका भी एक एडवांटेज आपको अपने जीवन में मिलेगा और अभी जो आपके जो जर्नी स्टार्ट हो रही है मतलब यू विल बी गोइंग इन प्रोवेशन पीरियड और तो आप अपने क्षेत्र के ख़ास कर के उन गर्ल्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे कि मैंने ऐसे पढ़ा है आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका भी हो जाएगा मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एक छोटी सी लाइब्रेरी से जहाँ पे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं छोटी एग्ज़ाम्स का और वहाँ पे भी मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम है मेरे से नहीं होगी एक पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रही क्योंकि पेरेंटल सपोर्ट भी था और मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस कभी गया नहीं क्योंकि मैंने सेटबैक्स झेले मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ी पहले मैं कॉन्वेंट con स्कूल में पढ़ती थी फिर नॉर्मल नॉर्मल कॉलेज में आई जहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया तब तक की तो मेरी होप छूट गई थी कि नहीं मुश्किल है नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा इन्वॉमेंट है ही नहीं जहाँ पे मैं पढ़ सकूँ बट फिर मैंने उस समय भी खुद के अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन की मैंने अपने पेरेंट्स से चांस मांगा उन्होंने मुझे दो साल दिए थे आपको हम दो साल दे रहे हैं अगर आपका नहीं हुआ तो आपके सारे डिसीजंस जो होंगे हम लेंगे मैंने बोला ठीक है मैं मैं प्रॉमिस दे रही हूँ मुझे बस दो साल दीजिए मुझे दिल्ली भेज दीजिए अगर नहीं हुआ तो आ, मेरे डिसीज़न आप ले सकते लेकिन फिर मैंने ये भी प्रॉमिस लिया

उस सिचुएशन में गर्ल्स को गर्ल्स को जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो खुद को एम्पावर करे हर डायमेंशन में सोशली फाइनेंशियली एज वेल एज पॉलिटिकली ऑल्सो वी आर सींग नाउ कि अधिनियम बिल आया है लेकिन फिर भी थर्टी थ्री परसेंट रिज़र्वेशन मिलाया और फिर भी पेट्रियाकल सोसाइटी उसको अपोज कर रही कि रिज़र्वेशन देने की क्या ज़रूरत थी कि वुमेंस को एम्पावर right. करने की ज़रूरत है फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन फ़ीमेल है उनको एम्पावर नहीं करोगे तो दुनिया तो वैसे ही नहीं चलनी hmm. है फिर काजल मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपकी जर्नी में नेक्स्ट आई एस का क्या रोल देखती हैं आप क्योंकि प्रीलिम्स है मेंस है इंटरव्यू है आपको कहाँ पर कितना हेल्प मिल पाया और क्या जो आपने एक्सपेक्ट किया था उतनी आपको हेल्प या सपोर्ट मिला उतना या नहीं सपोर्ट मिला सर जब मैं नेक्स्ट आई एस में आई तब मुझे ऐसा लग रहा था सारा यानी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है मुझे किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे लेकिन जब मैं क्लास टेस्ट देने बैठी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि क्योंकि टीचर्स मेंटर सपोर्ट कर रहे थे मेंटर से बात हो रही थी कि कुछ डिफिकल्टी आई तो आप डिस्कस कर लीजिए टीचर्स से डायरेक्टली बात हो रही थी विभाष सर थे अयाज सर थे उनकी टीचिंग्स मुझे अच्छी लगती थी तो मैं बहुत ज़्यादा बैठती थी उनके लेक्चर्स में तो मुझे ऐसा लगता था कि बैक एंड सपोर्ट अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपके लाइफ में कुछ चल रहा है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है आप हमसे शेयर करिए आपके थ्रू भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली हमें फाइनेंशियली इमोशनली भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली सिलेक्शन के बाद हम आए थे पे ढोल नगाड़ा लेके आप भी आए साथ हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के हेड हमारे साथ आके डांस करे दैट इज अग थिंग सो आई एम वेरी थैंकफुल हमारे बच्चों का सिलेक्शन ही हमारा रिवॉर्ड होता है लाइफ में जो अचीवमेंट होती है ना वो अचीवमेंट इस बात पर डिपेंड करती है कि वो उस अचीवमेंट से आपको खुशी कितनी मिलती है सो द सेलेक्शन ऑफ आवर स्टूडेंट्स गिव्स अर्स इमेंस हैप्पीनेस सो दैट इज द बेस्ट रिवार्ड फॉर अस एंड वी वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ योर सक्सेस और दर स्टूडेंट सक्सेस सो फॉर दस फॉर अस इट इज़ ए प्राउड मोमेंट सो दैट फॉर एवरी रिजल्ट वी कीप ऑन वेटिंग की हमारे बच्चे का बच्चों का सिलेक्शन होगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे सो वंस अगेन कॉग्रेचुलेशन एंड माई बेस्ट विसिज फॉर यूर फ्यूचर जर्नी विच यू आर स्टार्टिंग एंड यू आर ए वन वेल सेट एग्जाम्पल फॉर द गर्ल्स एंड स्पेशली हुर ड्रीमिंग टू बिकम द सिविल सर्वेंट यू हैव डन इट एंड देर आर मैनी हु फॉलो यू And they will get inspired from you and they will also do it. If any student want any support from us, and if you are a deserving candidate, if you are looking for any support from the next trials, we are always there to support you, help you. And in fact, we are eager to support you. Thank you very much. Thank you.